जय हिन्दविवान् वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु

so the first thing that we are going to learn is about thunderstorm how the thunderstorms are formed in summers we know that warm air will rise up with lot of moisture and this rising temperature produces strong upward rising winds but upper temperature gets the atmosphere kaisa hota hai? cool which will condense them into water droplet or the freeze and as a result they will fall down in the form of rain or hail सो दिस बोथ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस टुगेदर नो एक तो वाम है और ऊपर जा रही है और कंडेंस होकर नीचे आ रहा है तो ये कंटिन्यूस दोनों प्रोसेस होती रहती हैं तो इनके मूवमेंट के बीच में फ्रिक्शन होता है सो दिस फ्रिक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर दिस विल क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड इसे बोला जाता है थंडर स्टोन ये हमने बहुत ऑब्जर्व किया होगा ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये देखा होगा है ना बारिश होती है तो बहुत बार जोर जोर से बिजली कड़कती है बहुत सारे आवाज आते है बादल गरजते हैं है ना सो दैट इज थंड यू कैन सी सी वार्म एयर इज राइजिंग अप एंड ऊपर कूल होके फिर कूल एयर इज सिंकिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन एंड एज अ रिजल्ट लाइटनिंग में दिस इज़ अ नेचुरल डिजास्टर इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं यस घर पेड़ बारिश की वजह से पानी हर जगह होता है अगर डायरेक्ट लाइटनिंग आपके ऊपर गिरे ना तो इट में इवन लीड टू डेथ वॉट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द थंडरस्ट्रोम थंडरस्ट्रोम के समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमें ना शेल्टर कभी भी बड़े ट्री के नीचे नहीं लेना चाहिए हमें अगर फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में तो हमें छोटा छोटा ट्री जो हो स्मॉल ट्री के नीचे शेल्टर लेना चाहिए ग्राउंड के ऊपर नहीं आ, रहना चाहिए डो नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विद मेटलिक एंड कोई मेटल का एंड हो मेटल की चीज़ हो अम्ब्रेला के नीचे ऐसी अम्ब्रेला ना यूज़ करें उस समय विंडो के नज़दीक ना बैठे ओपन गराजस स्टोरेज शेड्स हैं मेटल शेड्स हैं वो सेफ़ नहीं है शल्टर लेने के लिए उन सारी जगहों पर मेटल्स प्रजेंट होते हैं इसीलिए कार या तो बस जो है इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक द शेल्टर उसके अंदर अंदर बैठिए और अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पानी है तो यू शुड गेट आउट एंड गो इन साइड अ बिल्डिंग बिल्डिंग में चले जाइए और कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या तो टेलीफोन को उस समय पे ना तो टच कीजिए ना उनको ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए ठीक है सो दिस आर द प्रकॉशंस डेट यू नीड टू टेक ड्यूरिंग थंड नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट साइक्लोन्स साइक्लोन्स हमने ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किए होंगे क्योंकि थंडर स्टोम्स हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में होते हैं साइक्लोन्स इतने ज़्यादा नहीं होते साइक्लोन्स के तेजी से ऐसे ते हवा चलती है और पानी भी तेजी से आता है विंड के साथ सो समथिंग लाइक दिस हैपन्स साइक्लोन्स यूजली फॉर्म ओवर द सीज़ इन ट्रॉपिकल एरियाज नियर द इक्वेटर ट्रॉपिकल एरियाज पे होते हैं और सी के ऊपर फॉर्म होते हैं मोस्टली कैसे फॉर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन क्या है साइक्लोन्स कहाँ बनते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में हमने देखा सी के ऊपर सन हीट्स द ओशन वाटर वीनो कब से हम यही पढ़ रहे हैं पानी जो वो गर्म होगा तो उसके ऊपर की एयर गर्म होगी तो फिर वो ऊपर जाएगा वार्म एयर मॉइस्ट एयर लेके ऊपर जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा पर ऊपर जाके वो ठंडा होगा तो वे पर कंडेंस हो जाएगी थिक क्लाउड जैसा फॉर्म हो जाएगा अभी जब इवोपरेशन हो रहा था तभी उन्होंने हीट अपसॉफ की तो ऊपर जब कंडेंसेशन हुआ तो हीट रिलीज हो गई वापस एटमोसफियर में ये जो हीट रिलीज हुई ना वो वहाँ ऊपर के एटमोसफियर के आसपास के एयर को वापस से गर्म करेगी तो वो और भी ऊपर चली जाएगी और वहाँ और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एयर पास होती है मोर एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रोम एकदम सेंटर में आ जाती है स्ट्रोम में और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है कुछ इस तरीके से होता है सनलाइट सनलाइट आएगी ओशन गर्म होगा वाटर वार्म होगा एयर वार्म होगी एक्सपांड होगी वो लाइट होगी तो राइज अप होगी तो लो प्रेशर क्रिएट करेगी तो और ऊपर चली जाएगी ठीक है दिस ऊपर जाएगी तो दिस एयर विल फर्दर गेट कंडेंस्ड एज अ रिजल्ट हीट विल बी रिलीज डेवलपिंग द मोर लो प्रेशर ठीक है न मोर एंड मोर एयर एज इट इज राइजिंग अप हायर एंड हायर इन द एटमोसफियर एंड फॉर्मिंग मोर एंड मोर थिक क्लाउड्स ऑल अराउंड तो ज्यादा से ज्यादा एयर हाई प्रेशर रीजियन से इस तरफ आएगी स्ट्रोम की तरफ ठीक है बट इंस्टेड ऑफ मूविंग इन टू द सेंटर जहाँ पे लो प्रेशर था उसके सेंटर में आने की वजह पे हाई प्रेशर विंड्स हैं ना वो रिवॉल्व करना शुरू कर देती है क्यों क्योंकि हमने लास्ट सेशन में जैसे देखा था बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ विंड्स जो हैं वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती है ना कोरियलिस इफेक्ट होती है कोरियोलिस इफेक्ट दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ भी जो ये चेन ऑफ इवेंट्स है वो एंड होगी कब विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई प्रेशर विन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट तो बीच में सेंटर में लो प्रेशर होगा उसके आस पास में हाई प्रेशर विंड्स रिवॉल्व कर देंगी उनकी स्पीड कितनी होती है ऑलमोस्ट वन हंड्रेड एंड नाइनटीन किलोमीटर दैट इज सेवेंटी फोर माइल्स पर आवर और इसे क्लासीफाई किया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन ठीक है कुछ इस तरीके का होता है देखो सेंटर में जहाँ आई मार्क किया है ना वहाँ लो प्रेशर की क्रिएट होता है और उसके आजू बाजू में ये सारे क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं और वो रोटेट कर रहे हैं दैट आर हाई प्रेशर विंडस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं साइक्लोन के डेवलपमेंट में ऑब्वियसली विंड स्पीड विंड की डायरेक्शन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स तो ये चार चीजें हैं कुछ इस तरीके से देखो सेंटर में एकदम नीचे जहाँ आई है वहाँ पे एकदम लो प्रेशर होता है और तो धीरे धीरे आजू बाजू की विंड जो हाई प्रेशर आ रहे हैं वो उसकी जगह नहीं ले रहे हैं इनफैक्ट उसके आसपास रोटेट कर रहे हैं विंड मूवमेंट ब्रिंग्स द स्ट्रोम टूवर्ड्स द लैम्ब अभी विंड की वजह से क्या होता है ये सारे जो स्ट्रोम्स ये जो साइक्लोन क्रिएट हुए ना वो उनको लैंड की तरफ धक्के लेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं जब वो लैंड को हिट करेंगे क्यों क्योंकि जैसे ही वो लैंड को हिट करेंगे तो उनको जो एनर्जी मिल रही थी वार्म एयर ओशन्स जो थे वहाँ पे वाटर की वजह से जो वार्म वाटर था वो सारी उनको एनर्जी दे रही थी तो वहाँ पे वो एनर्जी कम हो जाएगी इसीलिए साइक्लोन्स जब हिट करेंगे लैंड को तब तो वो वीक हो जाएंगे ठीक है साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इट इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ़ एयर मास ऑफ एयर है जो वायलेंटली रोटेट करती रहती है एटमोस्फियर में ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर हाई उसका बीच का एरिया जो होता है जहाँ पे लो प्रेशर था जो आई मैंने बोला था जो आई दिख आई ऑफ द स्ट्रोम है उस वो बहुत काम एरिया होता है यहाँ पे देखिए एकदम सेंटर में ठीक है एकदम सेंटर में आई मार्क किया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जहाँ पे ब्लू येलो डॉट दिख रहा है आपको वहां उसके बाजू में एकदम सेंटर में आई है वहाँ पे लो प्रेशर होता है एंड इट इज वेरी काम एरिया और जो डायमीटर है आई का वो ऑलमोस्ट टेन टू थर्टी किलोमीटर जितना वेरी होता है इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स ये जो काम और क्लियर आई है ना जो सेंटर वाला देर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर इन साइज उसके आजूबाजू में देखो लेफ्ट साइड में देखो दिख रहा है जैसे ऊपर उसके आजूबाजू में जितने भी सारे क्लाउड्स हैं ना वो सारे क्लाउड्स इस सेंटर के आई जो काम है उसके आजू बाजू में होते हैं और उनका डायमीटर है डायमीटर नहीं उनका जो रीजन है वो ऑलमोस्ट वन फिफ्टी किलोमीटर जितना है और ये हाई स्पीड विंड्स हैं ऑलमोस्ट वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर जितना स्पीड है एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन ये जैसे जैसे रीजन विंड स्पीड से दूर जाएगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा ठीक है साइक्लोन जो है इज़ अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमोस्फियरिक प्रेशर ये उसकी डेफिनेशन हो गई जो अभी तक हमने लर्न किया पर ये साइक्लोन है ना अलग अलग, अलग जगह पे अलग, अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे अगर साइक्लोन इंडियन ओशियन से आ रहा है तो उसको साइक्लोन्स बोलते हैं एटलांटिक से आ रहा है तो उसको हरिकेन्स बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी से आ रहे हैं तो उनको टाइफून्स बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से है तो विलीविल्स बोलते हैं ठीक है वॉट इज द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द साइक्लोन्स इट इज अ वायलेंट storm वी ऑल नो जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 150 फिफ्टी टू टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर और उसके साथ साथ बहुत स्ट्रांग विंड्स और हैवी रेंज होती हैं साइक्लोन्स जो हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं। ये ऑलमोस्ट लिफ्ट कर सकते हैं वाटर को थ्री टू ट्वेल्व मीटर जितना हाई स्ट्रांग विंड्स जो हैं वो वाटर को पुश करेगी शोर की तरफ इवन इफ द स्ट्रोंग इज हंड्रेड ऑफ किलोमीटर अ वे इतनी दूर है फिर भी वो पुश कर सकते हैं वेन दीज हाई वेवस हिट्स द शोर ये जब कभी भी ये जो हाई वेवस आ रहे हैं और वो शोर को हिट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा डिस्ट्रक्शन किस किस का ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ और बाकी सारी प्रॉपर्टीज का भी जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन लाइन्स एक्सेट्रा

वॉट आर द इफेक्टिव सेफ्टी मेशर्स दैट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ साइक्लोन के लिए फोरकास्ट और वार्निंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए रैपिड कम्युनिकेशन होना चाहिए वार्निंग्स uh, के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से पोर्ट्स फिशरमैन शिप्स एंड जनरल पब्लिक को कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज साइक्लोन शेल्टर्स प्रिपेयर किया करवाए जाएँ अगर फोरकास्ट ऐसा आया है कि और चौबीस घंटे अड़तालीस घंटे के बाद साइक्लोन इस तरफ आ सकता है तो साइक्लोन शेल्टर्स क्रिएट किए जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करें कि पीपल ज़्यादा फास्टली उस प्लेस से मूव करके दूसरे किसी सेफ प्लेस पर चले जाएं। एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द पीपल हु लिव इन साइक्लोन हिट एरिया जो साइक्लोन हिट एरिया में रहते हैं पीपल उन्हें क्या डो नॉट इग्नोर द वॉर्निंग्स जो भी वार्निंग्स देते हैं गवर्नमेंट उनको इग्नोर ना करें गवर्नमेंट के पास मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू आता है ये सब टी वी रेडियो न्यूज पेपर में वार्निंग्स आती हैं नेसेसरी अरेंजमेंट्स करें शिफ्ट होने के लिए अपने साथ साथ सारी असेंशियल हाउस होल्ड गुड्स लेके जाए अपने डोमेस्टिक एनिमल्स व्हीकल्स उन सबको भी सेफ प्लेस पर लेके जाए अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में है रोड्स और रेडी रहिए सारे इमरजेंसी फोन नंबर्स के साथ जैसे कि पुलिस है फायर ब्रिगेड है मेडिकल सेंटर्स है उन सबके नंबर्स अपने पास रखिए ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी साफ पीने का पानी अपने पास रखिए इमरजेंसी के लिए सारा पानी ना पी जाए और कंटेमिनेटेड पानी भी ना पिए वेट हैंड्स से स्विचेस uh, या तो जो स्विचेस वेट हो चुकी हैं उन्हें ना टच करें जो भी पावर लाइंस uh, जो नीचे गिर गई हैं डिस्ट्रक्ट होके उन्हें हाथ ना लगें। डो नॉट गेट आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ फ़न मज़े लेने के लिए बाहर ना निकले किसी सेफ जगह पे रहिए डो नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग डिमांड्स जो रेस्क्यू करने आ रहे हैं उनको प्लीज़ प्रेशराइज़ ना करें और सारी डिमांड्स ना करें कोऑपरेट करें हेल्प करें अपने नेबर्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ साइक्लोन अलर्ट कब दिया जाता है दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड अभी तो हम सब बेटर प्रोटेक्टेड है क्योंकि सैटेलाइट्स और अडार्ज से साइक्लोन अलर्ट्स साइक्लोन वॉच पता चल जाता है वो इशू हो जाता है ऑलमोस्ट फोर्टी एट आवर्स इन एडवांस किसी भी एक्सपेक्टेड स्ट्रोम से और साइक्लोन वार्निंग इशू होती है ट्वेंटी फोर आवर इन एडवांस है ना इसीलिए सारे प्रिकॉशनरी मेशर्स मेजर्स ले लें और ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाए एवरी आवर और हाफ आवर वेन साइक्लोन इज नियर द कोस्ट सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट टू मोनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट टोर्नाडोज इंडिया में टॉर्नाडोज बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होते टोर्नाडो एक्चुअली क्या है वो एक डार्क फनल शेप का क्लाउड होता है जो ऐसे दिखता है कि वो स्काई से ग्राउंड तक आ रहा है देखो कुछ इस तरीके से इट इज़ अ फनल शेप्ड डार्क क्लाउड है ना और उसके अंदर एकदम लो प्रेशर होता है तो नीचे से उसके आसपास में जो भी चीज़ें आएंगी ना वो उसको अपने अंदर ले लेगा ले और ऊपर से उछाल के फेंक देगा पूरा ट्रैवल करवा के अंदर है ना सो मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक बट जो वायोलेंट टोर्नाडो होता है ना वो ऑलमोस्ट थर्ट थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है टोनाडो का डायमीटर जो है ना वो बहुत छोटा होता है मीटर और मीटर एक मीटर जितना और बड़े से बड़े एक किलोमीटर या तो उससे बड़ा, बड़ा हो सकता है ठीक है पर जैसे ही बीच में लो प्रेशर होता है ड्यू टू वेरी लो प्रेशर इन इट द फनल ऑफ द टोर्नाडोज सक्स एवरीथिंग दैट कम्स नियर इट एट द बेस उसके बेस पे जो कुछ भी आएगा बीच में वो उसको सक कर लेगा एंड इट थ्रोज थिंग्स अपवास और उसको ऊपर की तरफ उछाल के फेंकेगा ठीक है इसीलिए टोनाडोज जो हैं वो भी बहुत ही डिवास्टेटिंग हैं डिस्ट्रक्शन कॉज बाय टोर्नाडोज टर्नाडोज क्या कौन सा डिस्ट्रक्शन क्या क्या कर सकते हैं वो बहुत सारा डैमेज करते हैं ऑब्वियसली हाई स्पीड विंडस हैं तो सारे ट्रीज इलेक्ट्रिक पोल्स टेलीफोन पोल्स सबको अपरूड कर सकते हैं पावर सप्लाई डिस्टर्ब कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन बंद हो सकता है इट लिफ्ट द पीपल एंड वहीकल्स ऑफ द ग्राउंड पीपल हो व्हीकल हो कोई घर हो कुछ भी हो ग्राउंड से उठा लेगा उनको एंड हॉल्स हंड्रेड मीटर्स ऑफ अवे कहाँ तक उछाल के फेंकेंगे ऑलमोस्ट हंड्रेड मीटर जितना दूर जाके फेंकेंगे इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है व्हीकल्स डैमेज हो सकते हैं टोनाडो कॉजेस एक्सटेंसिव डैमेज टू द बिल्डिंग्स प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं टोनाडो से टू प्रोटेक्ट योर टेक शेल्टर इन अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइडर अंडर ग्राउंड हैविंग नो विंडोज जहाँ पे खिड़की ना हो और अंडरग्राउंड हो उस जगह पर जाके बैठ जाइए प्रोटेक्ट करिए खुद को और अगर ऐसा अंडरग्राउंड कोई भी रूम नहीं है तो सारी खिड़कियाँ बंद कर दीजिए टेबल या तो उनके नीचे शेल्टर लीजिए जहाँ पर ये सारी डेबरीज जो भी डस्ट आ रही हो वो अब तक ना पहुँच जाए पहुँच सके बोडाउन करिए नीज पर प्रोटेक्ट करिए अपने हेड और नेक को आर्म्स के थ्रू कुछ इस तरीके से जैसे साइड में दिखाया है ना ऐसे पिक्चर में तो आप सब ने देख लिया विंड स्पीड जानना बहुत ज़रूरी है हमने लर्न किया था ये भी विंड स्पीड जानने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो एनिमोमीटर होता है तो विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोम्स इसीलिए लिए इम्पॉर्टेंट है कि विंड स्पीड मेजर करें उनको प्रिडिक्ट करें कोई भी क्लामिटी आए साइक्लोन्स जैसी उसके लिए हैंस द स्पीड ऑफ विंड इन कोस्टल एरिया शुड बी मेजर रेगुलरली स्पेशली कोस्टल एरियाज की तरफ बार बार मेजर करना चाहिए रेगुलरली मेजर करना चाहिए और ये कौन करेगा एनिमोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट करेगा ठीक है सो दैट्स इट हियर वी एंड ऑफ चैप्टर स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी लर्न वेली टेल थैंक यू सो मच